विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच महाकाल महालोक में गिरी सप्तऋषि की मूर्तियों के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने महाकाल को भी नहीं बख्शा। अब घोटाला उजागर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री का इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। रविवार को उज्जैन में आई आंधी ने जहां महाकाल महालोक में तांडव मचाया, वहीं स्थापित की गई सप्तऋषि की 7 मूर्तियों में से 6 को धराशायी कर दिया गया। वहीं इस कुदरती आंधी ने प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता महाकाल महालोक के निर्माण में बड़े स्तर के घोटाले के आरोप लगा रहे हैं और भाजपा सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है, इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 12 ज्योतिर्लिंगों से 1 महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा। एक ही आंधी में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण की पोल खुल गई, यदि तूफान आ जाता तो क्या स्थिति होती। सर, एक महाकाल लोक को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं कलेक्टर से, आप चाहते हैं कलेक्टर इसकी वजह आपने कलेक्टर ने इतना गंदा निम्न स्तर का बयान दिया है, इससे सिद्ध हो गया कि महाकाल लोक के काम में वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। कुमार पुरुषोत्तम वो कहता है जांच की जरूरत ही नहीं है, अभी अभी हम दोबारा खड़ी हो जाएंगे। ये आस्था का केंद्र हमारे सनातन धर्म का, हम भगवान शंकर हमारे पूज्य इष्ट देव हैं, उनके लिए कहता है बन जाएंगे, कोई बात ही नहीं हुई। 100 करोड़ 100 साल के लिए काम हुआ था, 7 महीने में टूट गया। वो कलेक्टर का इस तरह का बयान निम्न स्तर का बयान है। इंक्रीमेंट की भाषा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला काम है। गुजरात की कंपनी गुजरात में यहाँ इंक्रीमेंट करेगी, ऐसा अनुबंध कर रही ताकि मध्य प्रदेश के लोग समझ नहीं पाए क्या लिखा है इसमें। घोटाला करने के लिए आइटम बढ़ा दें, यहाँ के कलेक्टर को उज्जैन कलेक्टर गुजराती आती है, पढ़ के बता जरा, और उसने एग्रीमेंट करवा दिया है। क्या देख रहा कलेक्टर, क्या देख रहा है शिवराज सिंह? 300 करोड़ जिस काम होना था जिस महाकाल लोक का, वो उन्होंने 750-800 करोड़ का पहुंचा दिया।